हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर रैमको सिस्टम से रिलेटेड। ओके, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कंपनी करती क्या है वो भी बताऊंगा। और आपने एक विजय केडिया सर का नाम सुना होगा, तो केडिया सर ने कंटिन्यूअसली पिछले, अगर बात करें हर क्वार्टर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और उसे भी मैं आपको शो करूंगा। और उन्होंने इस क्वार्टर में भी उसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है और वो शेयर अगर बात करें तो लगभग 35% गिर चुका है। ओके, अभी देखेंगे हम कितना और गिर रहा है, एक बार अंदाजा शायद मैंने देखा था तो 35 गिरा था, तो उसे भी देखेंगे क्या हमें उस सिस्टम उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े कुछ और बातें कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको वीडियो पे जाएंगे तो लिंक मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा का एक सुपर ऐप आया है। ओके, यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। एचयूएल के रिजल्ट कल बताए थे, एज वेल एज बातें करें तो यहाँ पर बोनस एक कंपनी देने जा रही है तो उससे रिलेटेड बातें हुई थी। और अगर बात करें यहाँ पर 3% का यहाँ पर जंप भी लगाया गया था आज। और Q4 रिजल्ट एंड इट्स इंपैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियामार्ट और एक्साइड इंडस्ट्री, यहाँ पर इससे रिलेटेड बात हुई थी। और इंडिया मार्ट में मैंने कल बता दिया था कि कल शेयर शायद गिर सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर गिरा भी था। और इसके अलावा यहाँ पर दो लिंक है, अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर हम बात करें कोविड का, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे देश में, तो आप कोविड से जितने लोगों की अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प करिए, हेल्प करना एक पुण्य का काम होता है हमेशा याद रखना। ओके, तो अच्छी बात होती है अगर आप दान दे सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो दूसरों की हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर आप दान दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, तो वीडियो में की तरफ चलते हैं जिस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टॉक आज के दिन में ₹3 बढ़ता हुआ, 0.64% बढ़ता हुआ नज़र आया है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 डेज का, तो 5 डेज में देखिए यहाँ पर ₹515 पे शेयर चलता था, गिरते गिरते नीचे आया। 1 मंथ की बात करते हैं तो ये शेयर ₹587 पर था। ओके, और गिरते गिरते अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 16% दिखा रहा है। बट अगर हम यहाँ पर 6 मंथ का चार्ट पैटर्न उठा लेते हैं तो 6 मंथ पहले ये ₹755 का शेयर हुआ करता था और कंटिन्यू गिरता जा रहा है। यही मैं आपको कह रहा था कि 35% ये शेयर यहाँ पर से गिर चुका है, तो क्या हमें यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए ये शेयर या नहीं। यहाँ पर देखिए जैन 2021 में जब इसके रिजल्ट आए तब उसने हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ पर शेयर कंटिन्यूसली गिरता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, देखिए ये शेयर की जब शुरुआत हुई थी तो काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पर शेयर था। ओके, अच्छा ऊपर खुला था, फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट हुई, फिर यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे, मतलब वॉलेटिलिटी से शेयर बढ़ा हुआ है। और पिछले कुछ साल तो यहाँ पर 3-4 साल तो ये शेयर चला ही नहीं था, फिर इकट्ठा एक साथ भागा, फिर उसके बाद गिरावट, फिर एक साथ भाग रहा है और फिर अभी उसी तरीके की गिरावट नज़र आ रही है। तो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, और क्या हमें इस तरीके के चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए पहले वीडियो पे चल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 52 वीक लो की बात करें, ₹67 का शेयर था ये 22 मई को, और बात करें 52 वीक हाई की तो 785 11th ऑफ जैन को ये शेयर था। तो ये वॉलेटिलिटी से रिलेटेड शेयर है, तो जैसे ही बता चुका हूँ कि वॉलेटिलिटी भरा हुआ ये शेयर है। और आज के दिन में अगर बात करें तो लगभग 52% की, लगभग 47,000 शेयर यहाँ पर उठाते हुए हमें दिखे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो कि हम और भी देखेंगे कि किस किस के कितने कितने हैं, बट यहाँ पर देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, FIDIs और अगर बात करें HNIs अच्छे खासे यहाँ पर होल्डिंग रखते हैं, राइट इशू भी कंपनी लेके आई है। ओके, अगर हम बात करते हैं कोई भी शेयर इनका गिर भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर रिजल्ट की बात करें तो 25th ऑफ मे को यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर रिजल्ट, टू कंसीडर द अप्रूवल एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द 31st मार्च, तो देखते हैं यहाँ पर शायद 25th मई को यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं और भी कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न, तो यहाँ पर रिटर्न देखते हैं तो देखिए वॉलेटिलिटी से भरा हुआ शेयर है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 1 ईयर का अगर हम देखते हैं तो 1 ईयर में ये 64 का शेयर 700+ में जाता हुआ दिखा है, 10 ईयर्स की बात करते हो तो 10 ईयर्स में 4
12% के रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आया है और बीच में यहाँ पर गिरावट और ना के बराबर रिजल्ट है, बट एक साल में 511% के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं, जो जिस वजह से यहाँ पर भी हमें जंप दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम और भी कुछ बातें कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए, रैमको सिस्टम सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर बनाती है यहाँ पर ये कंपनी, एविएशन सॉफ्टवेयर बनाती है एंड डिफेंस सॉफ्टवेयर बनाती है। अगर बात करें यहाँ पर ERP सूट्स ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। यहाँ पर इन्फ्यूजिंग इंटरप्राइज मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। बात करें यहाँ पर और भी चीज़ों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कवर रैमको गीक, यहाँ पर मतलब IT से रिलेटेड ये कंपनी हमें नजर आती है। इसके अलावा अगर हम और भी कुछ आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो कस्टमर है, ओके 35 कंट्री में 1000+ कस्टमर है, जिनमें से आपने देखिए डावर का भी नाम सुना है, रेड टेक का नाम सुना है, कोलंबियो हेलीकॉप्टर मतलब डिफेंस मतलब एविएशन से रिलेटेड स्टॉक है, एज वेल एज बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ओके, यहाँ पर देख लीजिए हर एक मतलब DLF, रैमको, सीरो, RCA, यहाँ पर मतलब 100+ इनके कस्टमर है। अगर आप यहाँ पर और जाएंगे ना, तो आपको मिलता हुए नजर आएंगे 100, आप जा सके निकाल सकते हैं कि ये कंपनी 100+ इनके कस्टमर कौन कौन से है। तो इनका अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये कंपनी काफ़ी अच्छा बूम करती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम में। अगर इससे रिलेटेड और भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँ, और यहाँ पर हम न्यूज़ पर चले जाते हैं, तो काफी सारी न्यूज इनके फेवर में यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अंदर जाके आप पढ़ लेना, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। रैमको सिस्टम पार्टनर, यहाँ पर देखिए इस कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, EXSYN एविएशन सॉल्यूशन, मतलब एविएशन मतलब कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर या फिर उड़ान से रिलेटेड मतलब फ्लाइट से रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी नजर आती है काम करती हुई। तो यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर मलेशिया, यहाँ पर मलेशिया आई थिंक हाँ ये मलेशिया की MMC है, तो यहाँ पर से भी इन्होंने देखिए 5 ports को डिजिटली रैमको सिस्टम डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए 5 ports को, वो भी कहां पर मलेशिया, मतलब फॉरेन कंट्री में इनके बहुत सारे पार्टनरशिप अगर काम करती हुई ये कंपनी नजर आती है। अगर यहां बात करें रैमको सिस्टम टाई अप्स, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़ आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी, रैमको सिस्टम टाई अप्स MMC जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो काफ़ी अच्छी ये शेयर नज़र आता है, बट एक फेयर प्राइस पर लेना इसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी मतलब आँख बंद करके इसे उठा लिया ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। और बहुत सारे लोग अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, तो हम एक साल का चार्ट पैटर्न देख रहे थे कि यहाँ पर फंसे हुए हैं यहाँ पर लोग, और वो सोच रहे हैं कि कब हमें मौका मिलेगा। तो इस और भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, पहले तो यहाँ पर देख लीजिए मार्केट कैपिटल, स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलवेज स्मॉल कैप कंपनी में आपको बिल्कुल थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का होता है और आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में किस किस तरीके से आपको पैसा डिवाइड करना है, तो उस वीडियो का लिंक ऊपर दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो स्मॉल कैप में हमेशा थोड़ा पैसा रखते हैं, ROC कुछ खास नहीं है, 6% है। डेट की बात करें, कंपनी डेट रिड्यूस करती हुई हमेशा नजर आ रही है, प्लेजिंग कुछ नहीं है, ओके। और यहाँ पर और भी कुछ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड बात करें। देखिए कंपनी का रिजल्ट ना आपको ईयरली वाइज में दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही है। कंसिस्टेंसी मतलब अब इस बार का जो दिसंबर क्वार्टर का जो इनका सेल्स थी वो सबसे ज़्यादा सेल्स थी पिछले 3 साल में। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी सबसे ज़्यादा था पिछले 3 साल में, मतलब कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पर पेश कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ का प्रॉफिट, बीच में तो देखिए माइनस में भी आ गया था मार्च 2020 में, फिर दोबारा रिकवर किया 18 करोड़ रुपए का है। मतलब इनके पास बीच में आपने काफी सारी न्यूज भी सुनी होगी अच्छे खासी, इनके इन्हें कभी इस कंपनी से कभी उस कंपनी से यहाँ पर डील्स मिलती रहती थी, जिस वजह से ये शेयर भागता हुआ मैं 200 रुपए पे ये शेयर था एट द टाइम। आई वाज थिंकिंग कि ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि 64 से ये शेयर भागता हुआ आ रहा था, तो उस टाइम मैंने इसे हिम्मत करके नहीं लिया, बट स्टिल अब मेरे पोर्टफोलियो में है। ओके, मैंने आज की डेट में ही यहाँ पर खरीदा है, क्यों खरीदा है उसके पीछे का रीजन बताऊंगा। सेल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर पिछले 10-11 साल की सेल है, 2009 में 188 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 609 करोड़ रुपए की सेल्स में पहुंच गई है, जो कि कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। देखिए हमेशा यहाँ पर बढ़ता हुआ सेल्स दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ पर नेगेटिव में था वो बढ़ता बढ़ता आपको आज के डेट में 160 करोड़ के प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी पहुंच गई है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बात करें 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, ओके 43 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर प्रॉफिट में
कंपनी आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। अगर बात करें रिजर्व्स की, कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे 600 करोड़ के जो कि बढ़ते हुए दायरे में है। अगर बात करें बोरिंग की तो देखिए बोरिंग बहुत ज़्यादा थी इनके पास, बीच में जीरो थी, फिर उसके बाद बढ़ी और फिर अब दोबारा देखते हैं तो यहाँ पर घटती हुई नजर आती है। तो अगर यहाँ पर देखिए ये सितंबर का है, बट यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा तो देखिए दो यहाँ पर दिसंबर में इनका इंटरेस्ट 2 करोड़ रुपये जा रहा है, मतलब यहाँ पर दिसंबर में इनकी बोरिंग कम होती हुई और नजर आई है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए 3 करोड़ रुपए का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर बात करें कैश की तो कंपनी यहाँ 16 करोड़ रुपए का कैश है, और इन्हें जो अपने क्लाइंट से पैसे लेने हैं तो अगर बात करें ट्रेड रिसीवेबल लगभग 195 करोड़ रुपीज़, मतलब कब पैसे लोगों से आ रहे हैं इनके पास, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग 54% है, कोई शेयर प्लेस नहीं है। FIIs की बात करें तो FIIs में के पास लगभग 1.43% की हिस्सेदारी है। DIIs की बात करें तो 8.53% की हिस्सेदारी है, उन्होंने भी यहाँ पर शेयर निकाला नहीं है। ओके, थोड़े बहुत ना के बराबर उन्होंने निकाला, बट स्टिल बहुत अच्छी हिस्सेदारी रखते हैं। बट देखिए पब्लिक में 35% की हिस्सेदारी है, पब्लिक में भी यहाँ पर एक नाम देखिए विजय किशन लाल केडिया, मतलब विजय केडिया सर आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए हर क्वार्टर में जून में इनकी 1.11% की हिस्सेदारी थी, सितंबर में 1.39% की हिस्सेदारी बढ़ाई, दिसंबर में 1.47, और अभी मार्च देखते हैं तो 1.62% की हिस्सेदारी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो विजय केडिया सर है उन्होंने अब दिसंबर से मार्च के बीच में भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो अगर उन्होंने उन्होंने भी देखिए इसी पैटर्न पर यहाँ पर भी उन्होंने अब ये शेयर को खरीदा होगा, डेफिनेटली खरीदा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर उन्होंने शेयर को खरीदा है तो उन्होंने भी इस लेवल पर खरीदा है, और इस लेवल पर खरीदा है तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं ओके, और तो आपको समझना होगा कि ये चीज़ ये ऐसी कंपनी है कि जब भागती है ना तो अच्छी खासी भागती हुई दिखाई देती है। वॉलेटिलिटी इसमें बहुत सारी है, ऊपर नीचे आप देख ही चुके हैं इसका चार्ट पैटर्न। और ये जो मार्केट कैपिटल है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो अपने रिस्क के हिसाब से आपको थोड़ा सा ही यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है। और अगर इसके कुछ यहाँ पर टेक्निकल की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था इसने ओके, पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया था, और अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर दोबारा सपोर्ट ये लेती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से देखिए भाग सकता है, ऊपर जा सकता है यहाँ पर, बट अगर एक बार इस चीज़ को इन्होंने ब्रीच किया तो यहाँ पर देखिए एक 4.4 to 4.5 का यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 4.24 का यहाँ पर एक स्टॉप आता है कि यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर आके दोबारा से ऊपर जा सकता है, अगर वरना फिर देखिए नीचे अगर आया तो 3.38 तक भी आएगा और फिर 2.79 तक, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि 25 मार्च को इनके रिजल्ट है, यहीं पर इसे सपोर्ट लेके यहाँ से घूमता हुआ नजर आएगा और दोबारा ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। और इनके पास अच्छी अच्छी कस्टमर बेस है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं देखिए इनका RSI तो बड़े फेवरेबल RSI पे लगभग 33 के RSI पे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है, तो आप यहाँ पर एक्युमुलेट करने की भी ये शेयर सोच सकते हैं ओके। डिप्स आप करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं इस शेयर में, बाकी जब भी यहाँ पर ये कंपनी आती है तो भागती हुई नजर आती है। अगर मैं आपको दिखाऊं देखिए यहाँ पर टच किया फिर भागती हुई नजर आई, यहाँ पर थोड़ा बहुत गिर भी सकती है और भाग भी सकती है, बट फिर भी नीचे आती है फिर भागती हुई नजर आती है। मैंने इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखा है तो इसी तरीके का इसने बिहेव करके हमें दिखाया है, यहाँ पर नीचे आती है फिर ऊपर भागती है, नीचे आती है फिर ऊपर भागती है, तो इसी तरीके का वॉलेटिलिटी से ये भरा हुआ ये शेयर है। और इसका ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर ये क्रॉस हुआ तो याद रखना कि 421 पे आके रुकेगा, और फिर उसके बाद अगर रुका और गिरा तो 350 पे आके गिरेगा। तो यही इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो था, रामको सिस्टम इस कंपनी का नाम है, और कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए अगर कुछ भी पोजीशन बना रहे हैं, खुद की स्टडी करिए, मेरी स्टडी थी जो मुझे लगी, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।